हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन ज्ञान साधना ई लर्निंग क्लासेस। देखिए, हम लोग ने पिछले कई वीडियो में रे ऑप्टिक्स का पार्ट शुरू किया हुआ है, और उसमें भी हम लोग ने क्या शुरू किया हुआ है, प्लेन सरफेस का पार्ट, है ना। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे ना हम लोग, प्लेन सरफेस, यानी प्लेन सरफेस का मतलब तो समझ में आ गया होगा अब तक भाई। कोई भी अगर सरफेस हो और उसमें हम लोग पॉलिश कर दें तो हमको इमेज दिखाई पड़ती है। इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पर होती है, ठीक है। कई चीजें बताई थी, अब हम लोग एक चीज चलते हैं प्लेन सरफेस में। एक आगे कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो हमने आपको एक चीज बताया था कि अगर कोई मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना, कोई भी मिरर है, ये इस मिरर के आगे कोई घड़ी रख दे, ठीक, घड़ी अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो इसके इमेज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। आधी बात समझ में कि नहीं यार, एंटी क्लॉकवाइज चल, मतलब अगर ऐसे चल रही घड़ी तो उसमें ऐसे दिखाई पड़ेगी, राइट हैंड का कैसा दिखेगा, उल्टा हैंड दिखेगा, यानी कहने का मतलब लेटरली इन्वर्टेड होती है इमेज, ठीक है ना। अब जैसे इसमें टाइम की बात की जाए, टाइम तो टाइम इसमें बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको मान लें एक्चुअल टाइम, क्या मान लें, एक्चुअल टाइम, और इसको मान लें इमेज टाइम, आ रही बात समझ में आ रही है। तो तुमको अगर एक भी टाइम दिया है तो दूसरा टाइम निकाल सकते हैं, इमेज टाइम हो सकता है दिया हो, एक्चुअल टाइम पूछ रहा हो, एक्चुअल टाइम दिया हो, इमेज टाइम पूछ रहा हो, लेकिन सुई वाली घड़ी होनी चाहिए, कांटे वाली, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि अगर एक्चुअल टाइम प्लस इमेज टाइम का सम 12 के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 12 के बराबर। अगर सपोज दैट हमको इमेज टाइम निकालना है, क्या निकालना है, इमेज टाइम, तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्चुअल टाइम, जो भी एक्चुअल टाइम हो रहा हो, ठीक है ना। अब ये 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 100 नहीं होते। तुम सोचो कि एलसीएम यहाँ ले तो 100 हो गया, 60 होंगे, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1160 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, क्लियर है। अब जैसे मान लो तो एक्चुअल टाइम यहाँ घटा दो, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लिया आपके बज रहे हैं सपोज दैट 9:15, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लिख दिया हम लोगों ने कि जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है, एक्चुअल टाइम मान लिया दिया हुआ है 9:15, है ना। अब एएम पीएम की मतलब नहीं है क्योंकि 12 घंटे का ही दिन होता है, फिर दूसरा घड़ी वापस घूमती है। तो अब इसमें अगर हमको इमेज टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे बेटा, इमेज टाइम, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है, 12, 12 लिखा है, तो 12 को हम लोग क्या कर लेंगे, 1160, तो क्या कर लेंगे, 1160 माइनस 950, इसको घटा दीजिए आप ज्यादा हो तो कितना हो जाएगा, 45, और 11 में से 9 गए तो 2:45, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये इमेज टाइम वगैरह की चीज पूछते हैं, हमने आपको ऑब्जेक्ट के मूविंग और इसके मूविंग की सबकी कंडीशन बताई हुई है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट में बढ़ेंगे कि अगर दो मिरर एक दूसरे पर झुके हुए हैं, अभी तो सिंगल मिरर था, अब हम लोग दो मिरर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब दो मिरर लेंगे तो उस केस में कितनी सारी इमेज बनेंगे, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहां पर ट्रायल रूम में देखा वो शीशा इधर भी लगा होता है, इधर भी लगा होता है, हम इधर भी दिखाई पड़ते हैं, इधर भी दिखाई पड़ते हैं, कहीं कहीं तो छत पे भी लगा होता है तो ऊपर भी दिखाई पड़ते हैं। तो अपनी इमेज कितनी बनेगी, ठीक है। तो अगर दो एंगल के बीच में, दो मिरर के बीच में कोई एंगल बन रहा हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी इमेज कितनी बनने वाली, जैसे हम लोग गए हुए हैं मान लो शॉप हेयर कटिंग के लिए गए हैं तो आगे पीछे मिरर लगे होते हैं, उसमें अगर ध्यान से देखो तो अपनी कई सारी इमेज दिखाई पड़ती है, बस पलट पलट के दिखेगी, एक बार सीधा दिखेगी, एक बार उल्टा दिखेगी, एक बार सीधा दिखेगी, एक बार उल्टा दिखेगी, तो दोनों तरफ देखोगे तो कई सारी इमेज बनती है। तो डिपेंड करता है कि किस पर
कि उन दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा कितनी इमेज बनेंगी, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए इसको नोट करिए, फिर आपको उसको बताते हैं। तो हम लोग अब नंबर ऑफ इमेज इन इंक्लाइंड मिरर्स निकाल रहे हैं। इंक्लाइंड मिरर्स का मतलब कि हम लोगों ने दो मिरर ले लिए, एक मिरर ये ले लिया ऐसे और एक मिरर ये ले लिया, ठीक है, इन दोनों को पॉलिश कर दिया भाई, क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब जब पॉलिश कर दिया और इनके बीच का एंगल मान लिया कितना बन रहा है, थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू 90 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 30 भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। यहां पर मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज कितनी सारी बनने वाली है ये हमको देखना है, कितनी सारी इमेज, ठीक है। तो इसमें जो नंबर ऑफ इमेज निकालना है, एक फार्मूला ध्यान रखिए, नंबर ऑफ इमेज जो n की वैल्यू आएगी वो 360 बाई थीटा, इसका अगर डिवाइड करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जैसे मान लो थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो 4 इमेज आएंगे, 60 है तो 6 इमेज आएंगे, ऐसे आएंगे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से डिवाइड ना हो या फिर पूरी तरीके से फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तब कितने इमेज बनेंगे। इसकी 4 कंडीशंस होती है, ठीक है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। ये अब ये जो n की वैल्यू है, इस पर एक एग्जांपल भी ले लेंगे, n इक्वल टू 360 बाई थीटा, अगर ये कोई नंबर मिल रहा है, इक्वल मिल रहा, मान लो ऑड नंबर मिल रहा है, हो सकता है इवन नंबर मिले, हो सकता है कि फ्रैक्शन मिले, तो अलग अलग केस हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। कि अगर n की वैल्यू, तीन केसेस ले रहे हैं अलग अलग, अगर n की वैल्यू मान लो इवन नंबर मिल रही है, इवन नंबर जानते ना सब लोग क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, अगर इस तरीके की चीजें आएंगी, कोई भी इवन नंबर आए, तो इसमें ध्यान रखना कि दो इमेज यानी कि 2 इमेज विल कोइंसाइड, इमेज विल कोइंसाइड, मतलब एक ही जगह पे दो इमेज बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक एग्जांपल लेके देखेंगे। जैसे मान लो 90 डिग्री का लिया हम लोगों ने, तो ऐसे आ रहा है 4, तो 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इसमें दो इमेज क्या होंगी, एक ही जगह पे बनेंगे, तो हमको तो एक ही दिखाई पड़ेंगे ना। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज जो निकाला जाएगा, जो नंबर ऑफ इमेज होगा यानी कि नंबर ऑफ इमेज, उसकी वैल्यू ध्यान रखना डायरेक्ट हम लोग कर देंगे 360 बाई थीटा, जो भी इवन नंबर आ रहा है उसमें से एक को माइनस डायरेक्ट, ठीक है ना। 4 आ रहा है तो 3 हो जाएंगे, 6 आ रहा है तो 5 हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। अगर इवन नंबर आएगा तो कौन साइड हो रही होंगी, तो नंबर ऑफ में 360 बाई थीटा माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। कैसे बनेगा अभी उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में। अगर इसमें ऑड नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑड नंबर, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है, 1, 3, 5, 7, इस तरीके से अगर ऑड नंबर आते हैं तब क्या करेंगे, है ना। इवन नंबर आ रहा तो डायरेक्ट 2 इमेज कॉन्साइड होंगी और माइनस 1 कर देंगे। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड नंबर आने के केस में हमको एक चीज देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चीज जो ऑब्जेक्ट है ये रखा कहां है, ठीक, रखने का मतलब कहीं बीच में रखेंगे। लेकिन अगर इसको हम लोग कोई बाइसेक्टर कर दे यानी बराबर एंगल बनाते हुए लाइन खींच, अगर ये 60 है तो 30 30 हो,
तो अगर इसकी लाइन पर कहीं भी रखा हो, इस लाइन पे कहीं भी रखा हो, इधर रखा हो, इधर रखा हो, इधर रखा हो, यानी मान लो ये ओ वन है, ये ओ टू है, ये ओ थ्री है, कोई भी हो, ये सभी कहलाएंगे सिमेट्रिकल प्लेसिंग कहलाएंगे। क्या होंगे? सिमेट्रिकल प्लेसिंग, यानी कि सिमेट्रिकली रखा हुआ, यानी दोनों मिरर से बराबर दूरी रहेंगे हमेशा। इसके अलावा कहीं भी रखा होगा, जैसे मान लो यहां रखा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिमेट्रिकल का मतलब उनको एंगल बनाते हो, बीच रखा हो, लिखा होगा क्वेश्चन में कि सिमेट्रिकली रखा हुआ है कि अनसिमेट्रिकली। तो ऑड नंबर में ये चीज देखनी होगी कि सिमेट्रिकली है कि अनसिमेट्रिकली है। ठीक, तो इस केस में दो होंगे। अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकली, और दूसरा क्या हो गया? अनसिमेट्रिक। ठीक है बेटा, एक मिनट। तो हम लोग बताया ना सिमेट्रिकली मतलब कि दो को रखा हो मिरर, है ना, छोटा छोटा बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बड़ा बनाएंगे नोटबुक में, इसमें कहीं भी रखा हो तो सब सिमेट्रिकली कहलाएंगे। ठीक है, इस केस में जो n इक्वल टू होगा 360 by theta minus 1 कर देंगे, यानी अगर 5 आ रहा है तो 4 होगी, फिर 4 आने के बाद फिर भी माइनस करेंगे, यानी कि यही की यही आंसर रहेंगे। सिर्फ ऑड नंबर में देखना ये दो। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, जैसी लाइन है बाइसेक्टर, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, इस केस में n की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 360 by theta, यानी ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑड नंबर रखा है, सॉरी इवन नंबर है, तो एक माइनस कर देंगे। ऑड नंबर अगर आता है तो देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिकली दिया है कि अनसिमेट्रिकली दिया है। सिमेट्रिकली दिया है तो फिर एक माइनस कर देंगे, अनसिमेट्रिकली है तो माइनस नहीं करें, तब आंसर नहीं करें। ठीक है, अब तीसरा केस, अगर मान लो ना तो इवन नंबर आए ना तो ऑड नंबर आए, बल्कि क्या आ जाए, जैसे मान लो फ्रैक्शन आ जाए। क्या आ जाए? फ्रैक्शन आ जाए। फ्रैक्शन मतलब 3/2, 6/7, ऐसे नंबर को याद आता है। ठीक है ना, एक इमेज तो बनेगी कम से कम, हर एक से बन गई। तो जैसे मान लो फ्रैक्शन, जैसे एग्जांपल मान लिया कि 4.1 आ जाए या 4.7 आ जाए या 4.9 आ जाए, कोई भी चीजें आ जाए, 4. जरूरी थोड़ी है, 5.3 भी आ जाए, कोई भी फ्रैक्शन में डेसिमल में आ जाए। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज होंगे, नंबर ऑफ इमेज सभी केसेस के लिए बता रहे हैं, ये जो डेसिमल के पहले लिखा है यानी इंटीजर्स पार्ट, यानी कि नंबर ऑफ इमेज विल बी कौन सा पार्ट? इंटीजर पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी सभी जगह। ठीक है, इसको नोट करिए। तो आई थिंक इसके बारे में पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इवन नंबर में एक घटा देंगे, ऑड नंबर में देखेंगे सिमेट्रिकली रखा है कि अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली मतलब उसको लाइन को, एंगल को बराबर बनाते हुए कोई लाइन खींचे तो उस पर रखा हो, पोजीशन क्या करेगा? सिमेट्रिकली रखा है, उस केस में -1 कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं अनसिमेट्रिकली दिया हुआ है तो फिर n इक्वल टू 360। अगर ये वर्ड ही नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अनसिमेट्रिकली मानकर ही चलेंगे। ठीक है,
अगर फ्रैक्शन आता है कोई भी वो 4.1 हो, 4.3 हो, लेके 4.9 तक भी हो, तब भी इंटीजर्स पार्ट वाला ही आंसर होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बताया। अब इस पे हम लोग 90 डिग्री और 0 डिग्री पे देख लेते हैं कि कितनी सारी इमेज बनती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स मान लो ले लिया हम लोग ने कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब दोनों मिरर पैरेलल रखे, जैसे सैलून वगैरह केस में होता है ना, जहां हेयर कटिंग करा दी जाते हैं। जैसे मान लो एक मिरर ये रखा हुआ है, ठीक है, एक मिरर ये रखा हुआ है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसकी कितनी सारी इमेज बनेंगी भाई, अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखो तो n की वैल्यू 360/0, अगर किसी भी नंबर में 0 का भाग करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट मतलब बहुत सारी। अब देखा जाए एक इसके पीछे इमेज बनेगी, एक इसके पीछे बनेगी, इसके पीछे से कई सारी इमेज दूर तक बनती चली जाएंगी, ठीक है। ये पहला एग्जांपल ले लिया। अब हम लोग लेंगे दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी हो गई, इनफाइनाइट। अब हमने आपको बताया था इवन नंबर में क्यों एक माइनस करते हैं, उसके बारे में भी चलते हैं। अगर थीटा की वैल्यू, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये ऐसे जैसे ट्रायल रूम वगैरह में होता है उसी तरीके से है ये, ठीक है। अब एंगल कितना बनना है इसके ऊपर, 90। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मान लो ओ, अब ये मिरर मान लिया M1, ये मिरर मान लिया M2। अब तुमको इसमें दिखाना है कि चार इमेज कैसे बन रही है ना। अच्छा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस मान लिया x है, ये डिस्टेंस मान लिया y है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से यहां पर बनाया तो x डिस्टेंस पे बनेगा, ये मान लो I1 है, कितनी डिस्टेंस होगी बेटा x। ये और अगर ऑब्जेक्ट देखेंगे इस मिरर के लिए तो यहां पर बनेगा इमेज, डॉटेड लाइन से बना लो, है ना, क्योंकि वर्चुअल है ना। ये भी कितना बनेगा वाई, ये क्या हो गया I2। दो इमेज तो अपने को दिख रहे हैं, अगर इधर देखेंगे तो I1 दिखा, इधर दिखा तो I2 दिखा, ठीक है। अगर हम लोग अब देखें इस मिरर को आगे बढ़ा दें, तो मिरर को आगे बढ़ाने का मतलब नहीं, मतलब मिरर यहां तक होगा, तो जितनी दूर ये है तो ये दूरी कितनी है, देखो यहां से वाई है, तो इतनी दूरी पर इसके पास भी एक इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हो गया I3 वाई डिस्टेंस का, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट भी इस इमेज की तरह कार्य करेगा, यानी इसको भी आगे बढ़ा दिया तो ये डिस्टेंस कितनी है x, ये भी कितनी डिस्टेंस होगी x, यहां पर भी क्या बनेगा I4। यानी ये जो दो इमेज है I1 I2 I3 I4, बन तो चार इमेज नहीं है, लेकिन ये दोनों एक ही जगह पे बन रहे हैं, तो इसलिए एक ही इमेज काउंट होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएंगी, अब नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी परपेंडिकुलर के केस में, 1, 2, 3, 4, लेकिन एक ही जगह बनने की वजह से कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4-1=2। समझ में आया कि नहीं आया, तो अपन ने इवन नंबर का केस बताया है। तो फिर हम लोग ने इंक्लाइंड प्लेन मिरर के बारे में पूरा डिस्कशन किया, ये लास्ट आर्टिकल था। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे ताकि आपको प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो हमने आपको पूरी प्लेन मिरर की थ्योरी आपको बताई रिफ्लेक्शन फिनोमेना में, जितने उसमें क्वेश्चंस बन सकते थे, जो जो कॉन्सेप्ट बन सकते थे अपन लोगों ने बेसिक लेवल का लिया,
यानी कि ये लेवल टच करता हुआ कंपटीशन में है। तो हम लोगों ने आपको सभी कुछ बताई, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग इसके बेस पे अगले वीडियो में प्रॉब्लम्स भी ले लेंगे, ताकि आपको ये पूरा प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन क्लियर हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक।